स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, क्या मैं विजिबल हूं आप सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेटा थोड़ा सा आज इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है? लेकिन क्लास पूरी देखना, ठीक है? क्लास पूरी देखना, इंटरनेट फ्लक्चुएशन हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा मौसम खराब है और मेरा यूपीएस सेटअप खराब हो गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से मैं क्लास को देखते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। बाकी आप इस क्लास के बाद 8 बजे जरूर जुड़िएगा एसएससी गुरु चैनल पे, ठीक है? कितने बजे? रात को 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे आपकी क्लास पक्का होगी, ठीक है? और जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा विजिबल हूं मैं सभी, है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है? भगवान भरोसे, ठीक है? चलिए, बाकी आप, मैंने आपको बता ही दिया रात को 10 बजे आप स्टैटिक जी के स्टार्ट करें, क्योंकि ना सीएचएसएल के पेपर में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई स्टैटिक जी के बहुत ज्यादा पूछा गया, स्टैटिक जी के बहुत ज्यादा पूछा गया, तो इस वजह से, ठीक है, स्टैटिक जी के पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने अलग से रात को 10 बजे स्टैटिक जी के सीरीज स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? और साथ के साथ इंपॉर्टेंट है कि आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में ज्वाइन करें, रेफर कोड यूज करें लाइव अवन, पूरा तरीके से आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट जरूर एक्सेस कर लेना। संडे को होगा, ठीक है? अब दोबारा, है ना? और साथ के साथ फ्री टेस्ट सीरीज आपकी जो है अवेलेबल है आपको, ये सब चीजें कर लेना सारे के सारे। और जो मेरे कोर्सेज है इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं नए बैचेस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? अब ये नए बैचेस क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि यार सीएचएसएल का एग्जाम हो गया पोस्टपोन, अब बहुत समय आपके पास, अच्छा खासा समय तो हो गई, ठीक है? जहां तक मुझे अंदाजा है यू हैव गुड टाइम, जिसमें आप, ठीक है, बढ़िया तरीके से क्रैश कोर्स तो रिवाइज कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट का। तो मैं अभी एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, 260 पर मंथ इसका फीस रहेगा, बहुत कम फीस है क्रैश कोर्स के हिसाब से, मैं फीस रख रहा हूँ, है ना? तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। कैसे? आप एसएससी गोल सिलेक्ट करिएगा, जैसे एसएससी गोल सिलेक्ट करना आपको इधर, ठीक है, क्वेश्चन क्लिक करना है, मंथ सिलेक्ट करना, रेफर कोड यूज करना, लाइव उमन रेफर कोड लगाना है, ठीक है? ये तरीका रहेगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है? विटामिन डेट हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, बताइए कौन सा विटामिन जो है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी सोचिए, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, शेयर करो बेटा। अब जब मैं ब्लड क्लोटिंग की बात करता हूं तो विटामिन के इधर दे रखा है, ठीक है? विटामिन के इधर दे रखा है, ये विटामिन के जो है हेल्प करता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, बताइए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आपके एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं, ठीक है? एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं, मैंने वही एनालिसिस करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाया, जो 12 एग्जाम की जो एग्जाम हुए थे, अभी 12 हो गए ना, 4 शिफ्ट तो होली, है ना? तो 4 शिफ्ट में 12 तो हो ही जाएंगे, ठीक है? अगर क्वेश्चन हो, इन्वेंटेड लेजर, अच्छा क्वेश्चन, इन्वेंशन के क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांसेस कि भाई लेजर का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, जल्दी से बताइए लेजर का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? बताइए लेजर का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है यार, पूछा जा सकता है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? आंसर टीएच मेहमान, इसका आंसर है टीएच मेहमान के द्वारा, ठीक है, लेजर का इन्वेंशन किया गया, ठीक है? सारे इन्वेंशन पढ़ लेंगे धीरे धीरे, और मैंने अब क्वेश्चन का लेवल वैसा रखा है जो सीएचएसएल में आ गया ना, तो ये पक्का कन्फर्म सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चन जो होंगे आपके वो इस क्लास में मिलने वाले, ठीक है? और जीडी लेवल के क्वेश्चन अपना अलग हम पढ़ेंगे रात को 8 बजे एसएससी गुरु चैनल, ठीक है? चलो आंसर क्या है, एलोरा टेम्पल जो है राष्ट्रकुता के द्वारा बनाए गए, किसके द्वारा? एलोरा टेम्पल जो है राष्ट्रकुता के द्वारा बनाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है?
ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, पता ही। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन मेमोरेंडम विद यूएस बेस्ड आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप, जल्दी से देंगे ठीक। यूएस बेस्ड आईटी फर्म जो है बोस्टन ग्रुप के साथ ठीक, किसने जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश इसका आंसर है ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है ठीक है, पूछा जा सकता है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, फेमस होर्नबिल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे होता है, जैसे मैं आपको अभी पूछा था ना फ्लेमिंगो वाला क्वेश्चन है ना, फ्लेमिंगो वाला क्वेश्चन पूछा था मैं अभी आपसे है ना, वैसे ही सेम आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नागालैंड, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर जेल टर्म। देखिए अगर आप एल्डरली पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते तो आपको जेल टर्म हो सकता है, अब ये किस स्टेट ने अनाउंस किया, जल्दी से अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, शेयर करना बेटा सेशन को ठीक है, बताइए आंसर क्या है ठीक है। बिहार ने, बिहार ने ये शुरुआत की है बिहार के द्वारा। एक वेयर हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, फर्स्ट पर्सन टू, फर्स्ट किंग टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया ठीक है, बताइए आंसर क्या। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर है इंडो ग्रीक इसका आंसर ठीक है, इंडो ग्रीक इसका आंसर है, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, इशू द गोल्ड कॉइन्स ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बेटा, शेयर करना मैक्सिमम, आज ऐसे क्यों लग रहा है बच्चे रेस्ट कर रहे हैं ठीक है, ऐसे मत करो भैया ठीक है, पढ़ाई है, पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है आंसर क्या क्वेश्चन, जल्दी से बताइए ठीक है। प्लेरुला जो है ठीक है, प्लोरा जो है ये हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, कमेंट करें, प्लोरा जो है हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, प्लोरा हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करेगा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा याद रखिएगा, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें होता ठीक है, हमारे फेफड़ों में होता है प्लोरा ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिएगा। पॉलीमर यूज इन मेकिंग प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक क्रोकरी बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक, कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है प्लास्टिक क्रोकरी बनाने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, बताइए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा ठीक है। कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है प्लास्टिक क्रोकरी बनाने के लिए, आंसर क्या है ठीक, आंसर है मेलामाइन। ये नया क्वेश्चन है बेटा, सारे क्वेश्चन नए हैं ऑलमोस्ट 7 बजे वाली क्लास में ठीक है, 8 बजे तो ऑब्वियसली नए क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 7 बजे भी ठीक है नए क्वेश्चन है, मेलामाइन इसका आंसर है, पूछा जा सकता है ठीक है, मेलामाइन इसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ठीक है, मेलामाइन इसका आंसर है ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है, थारी नेशनल पार्क जो है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा ठीक है, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा, सोल्व करना बेटा सारे के सारे ठीक है। ये जो नेशनल पार्क है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ठीक है, TNP तंथियारी नेशनल पार्क, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा म्यांमार इसका आंसर है ठीक है, म्यांमार इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है, व्हाट अपरेटस इज यूज्ड टू लोकेट द सबमर्ज ऑब्जेक्ट, जल्दी से बताइएगा ठीक है, पानी के नीचे जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा एपरेटस यूज किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें, कौन सा एपरेटस यूज किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, आंसर क्या है बेटा, पानी के नीचे जो है इसको ठीक है, कौन सा एपरेटस आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक है। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑब्वियसली यार सोनार को यूज किया जाता है, सोनार ही होता है ठीक है, पानी के नीचे का जो ऑपरेटर जो होगी डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर। एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है, व्हेन वाज द इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश, इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल जो है ये कब इसकी स्थापना की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इनकम टैक्स एपीलिएट ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक। चलिए बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए,
ठीक है बताइए, सोल्व करो क्वेश्चन को, आंसर क्या होगा? चलो आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ईयर आपसे पूछे जाते हैं 1941 में स्थापना की गई थी, 1941 में, ठीक है 1941 में। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए फेमस मुस्लिम पिलग्रिमेज टाउन है गालियाकोट, ठीक है। सवाल अब ये पूछा गया कौन सी स्टेट में, इंडिया की कौन सी स्टेट में, बताइए हमारे भारत के कौन से राज्य में गालियाकोट जो है एक मुस्लिम पिलग्रिमेज लोकेशन है, कहाँ पे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है राजस्थान इसका आंसर, राजस्थान इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन केमिस्ट्री सोप इज द सोल्ट ऑफ, ठीक बताइए केमिस्ट्री में सोप क्या है बेटा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है सोप इज द सोल्ट ऑफ फैटी एसिड, किसका, फैटी एसिड का सोल्ट, ठीक किसका, फैटी एसिड का सोल्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है बताइए इंडिया एक्सटेंडेड अ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है अब ये पूछा जाए कि भाई लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, ठीक है किसके लिए एक्सटेंड किया, 18 मिलियन यूएसडी का, ठीक है 18 मिलियन यूएसडी का लाइन ऑफ क्रेडिट किसके लिए एक्सटेंड किया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक आंसर क्या है बेटा याद रखिए मालदीव्स इसका आंसर है, ठीक मालदीव्स इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट, बताइए कौन सी माउंटेन रेंज है जो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर अरावली इसका आंसर, ठीक है अरावली इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मदीन तुगलक बस प्रोफिशिएंट इन, क्या मतलब मोहम्मदीन तुगलक के अंदर क्या कला थी, बताइए किस कला के माहिर थे, जल्दी से बताइए मोहम्मदीन तुगलक अगर आपने सुना हो तो किस कला के माहिर थे, जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है किस कला के माहिर थे, आंसर क्या होगा, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा याद रखिए, ये मोहम्मदीन तुगलक जो है कैलीग्राफी, ठीक है सुलेख के, ठीक है माहिर थे। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, अब ये तो आसान है, अब इसमें हीट में वाटर कैपेसिटी, वाटर तो एक दे रखा है, उसके अलावा भी बताइए, ठीक है शेयर करना, ठीक चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, ठीक ठीक चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मरकरी इसका आंसर है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है क्योंकि ना देखो अभी दिक्कत क्या है कि कोई बोले कि सर वाटर इसका आंसर है, मैं इसलिए थोड़ा सा डाउट में रहा कि ये वाटर नहीं होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है कारण क्या है इसका, क्योंकि आपसे ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछ रहा, आपसे हीट कैपेसिटी नहीं पूछ रहा, ठीक है स्पेसिफिक हीट में और हीट में फर्क होता है। ठीक है मरकरी इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि मरकरी जरा सा टेम्परेचर भी अगर बढ़ता है ना, ठीक है जैसे हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा भी बढ़ गया, बुखार हो गया, तो मरकरी तो यूज करते हैं ना, उसमें क्यों यूज करते हैं, पानी क्यों कर लेते हैं, ठीक है समझो इस चीज को। एग्रोस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्रोस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्रोस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी है बेटा जल्दी से बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन, ग्रास इसका आंसर है। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, ठीक है इसमें से क्या सीड जर्मिनेशन के लिए नहीं रिक्वायर्ड, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सीड जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है सीड जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड नहीं है, जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है अब भाई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, देखो सीड जर्मिनेशन होता है, ठीक है वो जमीन के नीचे होता है, जैसे अगर कोई भी बीज होगा जमीन के नीचे होगा तो उसको अगर लाइट नहीं भी मिलेगी तब भी चल जाएगा, है ना तब भी चल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है सैफजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेटेड, जल्दी से सैफजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए,
ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर किया गया कौन से वर्ष में? जल्दी से बताएंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से वर्ष में डिस्कवर किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए बेटा, शेयर करो यार मैक्सिमम बढ़िया तरीके से। ठीक, हवा की भी तो जरूरत नहीं होती बेटा, एयर का ठीक है रिक्वायरमेंट होता है सीड जर्मिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है वो एयर से ही होता है ना। कभी सुना हो अगर मैं सीड जर्मिनेशन का ऐसे भी एग्जांपल दूं तो पॉलिनेशन एयर पोल्यूशन पॉलिनेशन होता है। ठीक है, हड़प्पा डिस्कवर हुआ था 1922 में, ठीक है 1922 में डिस्कवर किया गया था, 1922 में दयाराम सिहानी, आप सभी जानते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट सेंटर डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है सरकार का, ये किसने कहा था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अच्छे क्वेश्चन में से। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिए एल एस एमरी के द्वारा, किसके द्वारा? एल एस एमरी के द्वारा ये कहा गया था, कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द मोस्ट वेदर फिनोमिना टेक प्लेस? वेदर फिनोमिना सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, क्योंकि भाई जो अर्थ है अर्थ के नियर बाय तो होंगे, अर्थ के नियर बाय तो होंगे ना, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का, रिसर्चर ऑफ विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स इन द लून? ठीक है, चांद पे ठीक है ईंट बनाने का प्रोसेस किसने ढूंढ लिया? जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा रिसर्चर्स हैं जिन्होंने चांद पे ईंट बनाने की सोची है? वाह, ठीक है, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इंडियन स्टेट्स, ठीक है इंडियन साइंस ने और इसरो के द्वारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, बस इतना याद रखना बेटा, जो भी बच्चा देख रहा है आज से आपका स्टैटिक जी के स्टार्ट है रात को 10 बजे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीएचएसएल पूरा स्टैटिक जी के का है, तो मेरे टॉपिक वाइज में स्पेशली स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा आप रात को 10 बजे। ठीक है, याद रखिएगा आपका रात को 10 बजे इसी चैनल पे क्लास होगा। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है, छोड़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? बताइए कब कब से कब तक होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, IMF का फाइनेंशियल ईयर कौन से वर्ष तक होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या बेटा याद रखिएगा, 1 मई से लेके, नीचे कट गया ऑप्शन, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक। ठीक है, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक होता है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है डिसाइडेड टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2021? ठीक है, कौन सा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जिसने डिसाइड किया कि वो 2021 से किसी भी तरीके का प्लास्टिक का यूज नहीं करने वाला? ठीक है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कौन डिसाइड किया है? याद रखिए कनाडा डिसाइड किया है। कौन? कनाडा डिसाइड किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कनाडा डिसाइड किया है। ठीक है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट? ठीक है, कौन सी ऑर्गन बेटा हमारे शरीर का अगर ये भाग रेस्ट कर ले तो पूरा रेस्ट मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये इसलिए जो शरीर का भाग है ये रेस्ट नहीं करता, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा? चलो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, हर्ट इसका आंसर है, दिल भाई कभी भी रेस्ट नहीं करता। बिल्कुल सही बात, सत्य कथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14? ठीक है भाई, 14 की एज तक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रोथ का क्या जरूरी है, क्या क्या चीज की महत्वपूर्ण होती है जिससे हमारे शरीर का विकास होता है ना, ये आसान है। ठीक है, चलिए आंसर क्या बेटा, ये आसान चीज है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज है कि भाई शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। ठीक है, अपनी मसल्स डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, विच रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग
अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या चीज बढ़ती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या चीज बढ़ती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब कुछ बढ़ता है यार, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन एसिडिफिकेशन, स्मोक पॉल्यूशन, इन सभी से विच रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो सब कुछ होता है। ठीक है, सिंपल फंडा है, क्वेश्चन लिखे सिंबम ये किसके लिए फेमस है, आसान है, साइट है, है ना, कोल माइन साइट है या फिर आयरन माइन साइट है, कॉपर एल्युमिनियम क्या है, कौन सी साइट है, जल्दी से होते हैं सिंबम। ठीक है, बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से होते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का आयरन। ठीक है, आयरन की साइट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा है बेटा कोल का मत लगाना गलती से भी, एक और क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, कौन से प्रोग्राम से, अंडर विच प्रोग्राम, जल्दी से बताएगा। ठीक, किस प्रोग्राम के अंडर है, आंसर क्या इस क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा बेटा, कोई भी मिस मत करना, रात को 10 बजे स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रात को 10 बजे स्टैटिक जीके स्टार्ट कर दिया, कोई भी मिस मत करना यार, बहुत जरूरी है स्टैटिक जीके पढ़ना, है ना, उसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नेशनल हेल्थ मिशन इसका आंसर है। ठीक है, और मैंने नए कोर्सेज भी लाइव कर दिए हैं, ठीक है, पूरी क्विक रिवीजन करने के लिए। हाँ जी, क्रिकेट बैट की जो लेंथ होती है मैक्सिमम कितनी परमिट होती है बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। ठीक है, आता होगा कि भाई क्रिकेट बैट जो होगा उसकी लेंथ ऑन एन एवरेज कितनी हो सकती है, ठीक है, अलाउड कितनी है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर इसका 38। ठीक है, 38 इसकी लेंथ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने पहले बेसिक भी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा। ठीक है, 38 ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इसमें से कौन सा सेल जो है, ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का, लिम्फोसाइट आंसर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसका आंसर क्या है, बताइए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिए, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर क्रॉसिंग रोप, ठीक है, इनोग्रेट किया गया कौन सी नदी पे, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करेगा सारे के सारे। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है बेटा, अभी रात को 8 बजे ना एसएससी गुरु चैनल पे क्लास होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या बेटा, अभी ना एक शॉर्ट क्लास, अभी ये क्लास शॉर्ट होगी थोड़ी सी, अभी मैं ना 8 बजे आपको मिलता हूँ एसएससी गुरु चैनल पे, कहां पे, एसएससी गुरु चैनल पे क्लास होगी। अभी आज थोड़ा सा ना मैंने एग्जाम एनालिसिस का थंबनेल लगा दिया, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड ही करना था, तो अभी हम 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे, और रात को 10 बजे क्लास होगी स्ट्रेटेजी की जो होती है।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच पर्टिकुलेट फूड इज डाइवर्टेड, मतलब कंठस्थ होता है, आंसर है होलोजोइक में होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, अटर्नी जनरल का टर्म ईयर कितना होता है? ठीक है, अटर्नी जनरल का टर्म ईयर कितना होता है बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या? अभी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जब खत्म हो जाएंगे बताऊंगा आपको। नन ऑफ दिस इसका आंसर है। क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पे यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन मिलती है? ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? दोनों जगह पे, बोथ ए एंड बी, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ठीक है बेटा, ऊपर जो लिंक लगा ना उसे नोटिफाई कर लेना है, आधे घंटे बाद मैं एसएससी गुरु चैनल पे क्लास स्टार्ट करा दूंगा, जो रेगुलर क्लास होती है एसएससी गुरु चैनल पे। ठीक है, आधे घंटे बाद। ठीक है, बताइए, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स पायलट टू कंप्लीट द स्विंग वाइज, फाइनल क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर कैसा? तरुण चौधरी इसका आंसर है। ठीक है, तरुण चौधरी इसका आंसर है। बेटा जो भी बच्चा देख रहा है ना, मैं अभी आपको 8 बजे मिलता हूँ, ठीक है, एसएससी गुरु चैनल पे, ऊपर आपको लिंक दे रखा है, ये जो ना 11 PM क्वेश्चन बैंक है उसे नोटिफाई कर लेना, और आज 10 बजे जो है स्टैटिक जीके की क्लास होगी, भूलना मत, स्टैटिक जीके की क्लास होगी रात को 10 बजे। ठीक है, टॉपिक वाइज जीके में, तो अभी मिलते हैं 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। आप लिंक नोटिफाई कर लो पहले ही, ठीक है, ये लिंक नोटिफाई कर लो सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, चलिए, जो भी बच्चा देख रहा है लिंक नोटिफाई कर लेना, बाकी मेरे कोर्सेज लाइव है, A to Z कोर्सेज। ठीक है, अभी हम सेशन को एंड करके ना 8 बजे मिलते हैं एसएससी गुरु चैनल पे। ठीक है, पूरा कोर्स जो है आपका एसएससी क्रैश कोर्स मिल रहा है आपका, इस रेफर कोड से आपको मिल जाएगा। तो अभी मौका है, CHSL अभी ब्रेक हुआ है तो आपको मिला है, ठीक है, मौका कि आप इसमें एसएससी CHSL की अच्छी तैयारी कर पाओ, तो पूरी टीम के साथ पढ़ो दोबारा। ठीक है, तो लाइव अमन रेफर कोड यूज करके एसएससी गोल सिलेक्ट करना, गर्शन क्लिक करना, मन सिलेक्ट करना और रेफर कोड यूज करना लाइव अमन, और ऊपर लिंक जो दिया है उसको नोटिफाई कर लो। ठीक है, वो भी इसी रेफर कोड से होगा, लाइव अमन रेफर कोड से ही आप उसको नोटिफाई करेंगे जो लिंक ऊपर दे रखा। ठीक है, आज क्लास थोड़ी शॉर्ट हो रही है क्योंकि एग्जाम एनालिसिस इसमें लिख दिया टैग लाइन पे, मेरी गलती वजह से, लेकिन फिर भी अभी हम कल इसका रैपिड फायर स्टार्ट कर दें क्योंकि अभी तो एग्जाम एनालिसिस है नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी क्लास देख लियो, मिलते हैं 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे। ठीक है, एसएससी गुरु चैनल पे मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं।